हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक मॉडिफिकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी साइकिल एकदम अच्छे तरीके से वॉश कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। दोस्तों, आपको इनके लिए सामान क्या चाहिए? एक क्लीन क्लॉथ, एक शैम्पू। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं क्लिनिक प्लस यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं। एक पॉलिश, ये डैशबोर्ड पॉलिश है टायर्स के लिए, आप टायर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक पेंट पॉलिश, जिसको मैं यूज़ करूँगा। और एक ब्रश, कपड़े धोने वाला ब्रश। और एक कोई भी ख़राब ब्रश। तो चलिए, आपको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं हो गया। और हमको दो बाल्टी लगेगी। हमको ये अपना शैम्पू इस बाल्टी में डालना है, पूरा अच्छे से इसके अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जब तक फॉर्म नहीं बनता इसको जब तक हिलाइए। देख सकते हैं आप लोग, मैंने अच्छे से अपना शैम्पू मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर में हम अपना कपड़ा डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमको थोड़ा सा पानी लेना है और पूरी साइकिल को अच्छे से गीला कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग, मैंने अपना फ्रेम अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब बारी आते हैं अपने टायर्स की। तो जो हमने ये ब्रश लिया था, इसको अच्छे से, जो अपना ये पानी है शैम्पू का, इसमें अच्छे से डिप करना है। और ये जो पूरा फ्रेम है इस पर अच्छे से घिसना है, ताकि पूरा अपना ये टायर जितना भी पार्ट है इसका साफ हो जाए। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमको अपना आगे वाले टायर भी साफ करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी साइकिल पूरी अच्छे से साफ कर ली है और मस्त चमक रही है। तो हमको एक और कपड़ा लेना है और इसको अच्छे से पोंछना है, एकदम हल्के हाथों से पोंछना है, ध्यान रखिए। और ये साइड में ये स्टिकर निकाल, पूरा ये भी, ये मैंने गियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये किसी भी आपको साइकिल शॉप की दुकान पे मिल जाएगा। और ये आसानी से ऐसे रिमूव भी हो जाता है। और ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, आ गया ये कहीं भी आपको साइकिल स्टोर पे मिल जाएगा। आप बस यहाँ आपको ऐसे लगाना है और टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अपने डिरेलियर भी अच्छे से पोंछते हैं, साइड से भी पोंछते हैं अच्छे से। एक मैंने अपनी साइकिल में बॉटल स्टैंड भी लगाया है, अभी इसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। हमको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है ये, और हमको अपनी साइकिल पे लगाना है और अच्छे से
रफ बने। अच्छे से लगाइए सारी तरफ, उसको रब करो। भाई हमको अपनी टायर पॉलिश लेनी है, इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है और अपने कपड़े पे लग जाइए और अपने टायर पे लगाइए। बस आपको टायर की साइड लगाइए, यहाँ मैं लगाइए तो मतलब कल ही रहेगा, साइड लगाइए। तो गाइस आपको थोड़ी सी पॉलिश लेनी है, अगर आपकी साइकिल में जितने भी ब्लैक हिस्सा है, जिसमें ये मेरी साइकिल में हैंडल ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी पॉलिश लगाऊंगा यहाँ पे। याद रखिए आप ग्रिप्स पे मत लगाइए, ग्रिप्स पे मत लगाना, यहाँ पर अच्छे से पॉलिश करो ऊपर और यहाँ पर। और जो आपके ब्रेक्स हैं, वो पॉलिश है ना, इसका काम हो चुका है क्या? तो गाइस अब हमको ये जितना भी हमने यहाँ लगाया था इसको भी रिमूव करना है। ये देख लीजिए क्या शाइन आ चुकी है साइकिल में, ऐसे पूरा अच्छे से साफ करना है। देख सकते हैं आप लोग गाइस, मैंने अपनी साइकिल पूरी अच्छे से साफ कर दी है और पॉलिश भी कर दी है, क्या मस्त लग रही है। ये देख सकते हैं आप लोग साइकिल। तो अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।